गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया हूँ। क्वेश्चन ये है, ये चीज़ दे करके ये चीज़ लाना है, इक्वल टू के इस तरफ LHS बोलते हैं, इक्वल टू के इस तरफ RHS बोलते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ये जो LHS पार्ट दिया है इसको अलग से लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 7 नहीं लिख करके LHS लिख दे रहा हूँ, ठीक, LHS लिख दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे tan ब्रैकेट में जो पाई बाई 4 प्लस एक्स है ना, इसको इस वाला सूत्र में लिख देंगे। कौन सी वाला सूत्र, tan x प्लस वाई की सूत्र में खोल देंगे। tan x प्लस वाई की सूत्र पहले क्या होता है लिख लेते हैं, यहाँ पे tan x प्लस tan y अपन में 1 माइनस tan x इंटू tan y, यहाँ पे इंटू का साइन नहीं रहता है, डॉट सिंबल सा लगा देते हैं, वही सेम चीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे x मतलब पाई बाई 4, y मतलब x कम कर रहा है। अब इसको करते हैं, देखिए क्या होगा, tan x मतलब पाई बाई 4 प्लस tan y मतलब कौन है x हो गया, अपन में क्या है 1 माइनस tan x मतलब पाई बाई 4 इंटू tan y मतलब tan x, ऊपर का हो गया। अब नीचे का खोलना है, नीचे का माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, हो गया सूत्र। अब नीचे को करना है तो इक्वल टू लगाएंगे कहाँ पे, ये वाले लाइन पे सीधा पे। अब इसको खोलेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए, tan पाई बाई 4 प्लस था माइनस tan x अपन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इतना जब तक तो समझ में आ गया। आप यहाँ पे क्या करोगे, चाहे इसको लिख करके इंटू करके पलट दीजिए, या फिर tan पाई बाई 4 का मान रख करके उसके बाद पलटिए। तो चलिए वही काम करते हैं, tan पाई बाई 4 मतलब 1 प्लस इन tan x बटे में 1 माइनस tan पाई बाई 4 का मान 1 हुआ इंटू tan x, 1 के साथ tan x इंटू हुआ तो कितना हो गया tan x, इसके बाद बराबर है ये वाली लाइन, हो गया। अब नीचे में tan पाई बाई 4 मतलब 1, उसके बाद माइनस tan x अपन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 का 1, 1 tan x के साथ इंटू हुआ तो tan x, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, ये गलती हुआ था, गलती तो होता है सबसे, हमसे भी गलती हो चुका था। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ क्वेश्चन को, देखिए अब इस चीज़ को पहले लिखना है, क्या लिखना है हमको, 1 प्लस tan x अपन में 1 माइनस tan x इंटू करके इसको पलट देना है, ये वाला ऊपर में चला जाएगा, तो क्या गया 1 प्लस tan x अपन में कौन आ गया 1 माइनस tan x, ठीक। अब ये इंटू होगा तो क्या होगा, यही चीज ना आने वाला है, 1 प्लस tan x की होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x इंटू होगा तो क्या आएगा 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, प्रूफ, बस हो गया। उम्मीद करता हूँ जी एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर जो 7 लिए थे हम, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया, वीडियो लगा अच्छा तभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।